आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक ठाकुरद्वारा के गांव पाडला पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 55 किलोमीटर तो ब्लॉक से 18 किलोमीटर है। 1500 वोटों वाले इस गांव की बागडोर कर्णवीर संभाले हुए हैं। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की बागडोर इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। 4 वर्ष में कितना विकास कराया है और अभी क्या समस्याएं बाकी है, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जबानी। आंगनवाड़ी केंद्र है जी, खेल का मैदान आपने तैयार करवा दिया है। अस्पताल कितने दूर है? अस्पताल वो ठाकुर वाले समझ लो काफी किलोमीटर, 17-18 किलोमीटर है। क्या उससे पहले यहाँ आपके ग्राम पंचायत में या आसपास कहीं कोई सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र क्या? तो आज ही आज बाद नगर में बंद हो गया। बंद हो गया जी। तो यहाँ अब मरीजों को यदि कोई परेशानी होती है तो मरीजों को 17-18 किलोमीटर दूर ही चलकर जाना पड़ता है। क्या आपने कभी अस्पताल को लेकर के यहाँ मांग रखी है, प्रस्ताव रखा है? नहीं, हमने नहीं रखा, देखो झूठ बोल रहे हैं। तो आपको मतलब आपको नहीं लगता कि यहाँ पर अस्पताल होना चाहिए? अब अपने गाँव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? मांग क्या हमें वही मन जाए पंचायत भवन जो खेल का मैदान हमारा घोषित हो जाए और क्या, हमारा मैदान सब काम सही है और हमारे नल जरूरी है, हमें 10 वक्त हैंडपम्प वो नहीं है हमारे कम है। कितने परिवार यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? आवास हमारे 14 तो आ गए जो बनाने हैं हमारे लिस्ट आगे मतलब जी, और आगे देखो 10-5 तो चाहिए ही। क्या कच्चे रास्ते हैं अभी गाँव में? कच्चे रास्ते हैं। कितना मीटर सीसी से पूरा पक्का हो जाएगा? जी 300 मीटर है बीच का रास्ता, वो तो सब बना दूंगा जी, बाकी सब पूरा गांव पक्का हो चुका है। 300 मीटर जो रह गया ना 2 गली उन्हें मैं बना दूंगा, मेरे पास अभी समय है जी। मतलब 300 मीटर यहाँ और अभी आवश्यकता है जी, वो बीच का मेन रास्ता है जी जी जी। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन 4 सालों में प्रधान द्वारा यहाँ करवाया गया है। जैसे सीसी टाइल्स कार्य, शौचालय से गांव उभरी तरह से ओडीएफ हो चुका है, स्कूल में भी कायाकल्प के अंतर्गत काफी कार्य कराया गया है। प्रधान जी ने यहाँ एक बहुत ही सराहनीय काम करा है कि एक मैदान, खेल का मैदान यहाँ तैयार करवाया है अपने स्तर पर, ये वाकई सराहनीय कार्य है। चाहते हैं कि सरकार उसे खेल का मैदान घोषित कर दे। इसके साथ ही यहाँ पर यदि समस्याओं की तरफ नजर की जाए तो कुछ मूलभूत समस्याएं यहाँ अभी भी बाकी हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं। जैसे कि सबसे प्रमुख समस्या यहाँ अस्पताल की है, जो कि 17-18 किलोमीटर दूर यहाँ मरीजों को जाना पड़ता है। प्रधान का मानना है कि यहाँ यदि अस्पताल निर्मित हो तो यहाँ की जनता को काफी सुविधा इससे मिलेगी। इसके साथ ही पंचायत भवन और बारात घर को लेकर भी प्रधान यहाँ मुख्य मांग रखते हैं। अशरफ अली के साथ मैं नाज़रीन टुडे 24 से। जी क्या नाम आपका? सिकंदर बख्श नाम है मेरा जी। अच्छा, यहाँ खेल के मैदान को लेकर के क्या करना चाहोगे? खेल का मैदान क्या, इस गांव में इससे पहले कोई भी खेलने की जगह तो थी नहीं और यहाँ पर बहुत जो है परेशानी होती थी बच्चों को। इस बात को जो है हमारे जो प्रधान जी हैं करणवीर सिंह, इन्होंने समझा और ये जो खंडर सा था, आप मैदान देख रहे हैं ना, ये पहले ऐसा नहीं था, बहुत बड़ा खंडर सा था, काफ़ी मेहनत की है इन्होंने अपने पैसे से ही इसको इस योग्य बनाया कि अब बच्चे यहाँ आराम से आके शाम के टाइम खेलते हैं। इसी गांव के नहीं, आसपास के गांव के भी बच्चे आ जाते हैं यहाँ पर खेलने के लिए। तो इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और इनका प्रयास है कि इस मैदान को और अच्छा बनाया जाए। तो प्रधान जी ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, अब हम सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि सरकार भी इनका कुछ सहयोग करे और इस खेल के मैदान को जो है और सुदृढ़ बनाने की कोशिश करे। धन्यवाद जी। सर क्या नाम है आपका? मेघराम सिंह जी। आप किस पत्र है विद्यालय में कार्यरत? प्रधान जी, यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा क्या क्या विकास कराया गया यहाँ स्कूल में? ये दीवार बार बनवाई थी इन्होंने जी, लगवाई है जी, और ये लैट्रिन बाथरूम का इनका काम, मरम्मत का काम चल रहा है। समय समय पर आते हैं विद्यालय? हाँ